हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीपीआरएम सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जिसमें हम प्लास्टिक रबर मटेरियल पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है। तो फर्स्ट क्या हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, हमारा एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है या थर्मोप्लास्टिक कमोडिटी प्लास्टिक मटेरियल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। पॉलीस्टायरीन, ये भी हमारा क्या है, कमोडिटी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट है एपॉक्सी पॉलीमर। एपॉक्सी क्या होता है हमारे, ये एक थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पॉलीयुरेथेन क्या हमारा, इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक में आता है। तो एपॉक्सी पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, एपॉक्सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन निम्न में से किस में यूज नहीं होता है, या कौन से मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होता है। एलडीपी, एलडीपी में एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इमल्शन पॉलीमराइजेशन से। और पॉलीस्टायरीन यानी पीएस, इसमें भी क्या हमारा, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो लास्ट ऑप्शन है पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपामाइड। तो जितने भी हमारे एमाइड पॉलीमर होते हैं या प्लास्टिक्स होते हैं, उन सभी में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट, यानी कि पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपामाइड में एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो रेजिन्स आर यूज्ड इन पेपर ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव इट्स। तो अमीनो रेजिन्स जो होते हैं वो डेकोरेटिव या एडिशिव या फिर आपका पेपर ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है वेट टीयर एंड ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ, ये क्या है, सही है। सेकेंड है फोल्डिंग इंड्योरेंस, ये भी इम्प्रूव करते हैं। वेट रब रेजिस्टेंस, ये भी इम्प्रूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यानी अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो है वो किस पॉलीमर से बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, दैट इज रॉन्ग। मेलामाइन, दैट इज करेक्ट। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड से अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो है वो फॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोपॉलीमर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोपॉलीमर जो है वो किससे बनता है, जब दो या दो से अधिक मोनोमर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन दिया इन अ चेन विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो कोपॉलीमर में क्या होता हमारा, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू और मोर मोनोमर्स जो है वो कॉम्बिनेशन करके एक कोपॉलीमर बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। ऑफ द सेम मोनोमर बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ कैप्रोलेक्टम इन द एबव केस इज अबाउट परसेंटेज। तो कैप्रोलेक्टम का कन्वर्जन कितना हो जाता है, तो कैप्रोलेक्टम जो है वो नायलॉन 6 बनाने के लिए हमारा क्या है, 90% कन्वर्जन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्रोलेक्टम आर रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। नायलॉन 6 बनाने के लिए कैप्रोलेक्टम क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और
वो किससे प्रोड्यूस होता है, यानी कैप्रोलैक्टम जो है वो हम किससे प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिनॉल, दैट इज रॉन्ग। नेथलीन, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। बेंजीन, तो कैप्रोलैक्टम जो है वो बेंजीन से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिकुलर वेट ऑफ प्लास्टिक रेंजेस फ्रॉम, तो प्लास्टिक रेंजेस क्या होती हैं मॉलिकुलर वेट की। जो पॉलीमर है हमारा, पॉलीमर 10^2 से 10^7, ये किसकी रेंज होती है किसी भी पॉलीमरिक मटेरियल की, ठीक है। इसमें प्लास्टिक मटेरियल की अगर रेंज की बात करें हम, तो प्लास्टिक मटेरियल की रेंज कहां से होती है हमारी, 10^4 से 10^7। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएमए यानी पॉलीमेथाइल मेथाक्राइलेट इज नोन एज, बेकलाइट क्या है हमारा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन इज रॉन्ग। टेफ्लॉन, पीटीएफई, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। परस्पेक्स क्या है, ये हमारा पीएमएमए कहलाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज, तो पीवीसी किससे हमारे जो है मोनोमर से फॉर्म होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्लोरोफॉर्म इज रॉन्ग, क्लोरोएथेन इज करेक्ट। क्लोरोएथेन मोनोमर जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड को मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और इसीलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम पॉलीक्लोरोएथेन भी कहते हैं।